हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आप सबका ज्ञान के इस महासागर शिक्षा सिंधु में। स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर हैं एक नया ज्ञान का पिटारा लेकर। चलिए देखें आज के हमारे पिटारे में क्या है। आज का हमारा टॉपिक एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम्स। आज हम इस वीडियो में एनकोडिंग स्कीम्स को समझेंगे, एनकोडिंग क्या होती है ये सीखेंगे, और एनकोडिंग स्कीम्स कौन कौन सी हैं ये हम देखेंगे। इसी चैप्टर का जो अगला पार्ट है नंबर सिस्टम, ये हम अगले वीडियो में लेंगे। इस वीडियो में हम एनकोडिंग स्कीम्स के बारे में सीखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल, व्हाट इज एनकोडिंग? तो एनकोडिंग क्या है? एन कोडिंग, और इसी का उल्टा होता है डी कोडिंग। एनकोड करना मतलब कोड में कन्वर्ट करना। तो एक ऐसा टेक्निक, एक ऐसी एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें आप डेटा को कन्वर्ट करते हैं उसके इक्वलेंट कोड में। अब ये एनकोडिंग क्यों जरूरी है, क्यों करना पड़ेगा? तो आप सब जानते हैं कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को ही समझता है। कंप्यूटर इंग्लिश, हिंदी या कोई भी दूसरी लैंग्वेज नहीं जानता, क्योंकि उसकी जो मशीनरी है वो सिर्फ वोल्टेज के अप्स और डाउन्स को समझती है। इसलिए हम उसे कहते हैं 0 और 1। वोल्टेज है तो 1, वोल्टेज नहीं है तो 0। तो इसको हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, 0s और 1s की जो लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर हमारा इस बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, लेकिन हम इस बाइनरी लैंग्वेज को नहीं जानते। और अगर इसको सीखने जाएंगे तो बहुत हमारे लिए मुश्किल होगा, टिपिकल होगा सीखना, इसको आसान नहीं है। हम इसको समझ भी जाते हैं तो हर बार जितना कुछ हम इसमें टाइप करेंगे, हमारा इनपुट देंगे, जो भी हमें इनपुट देना है, अगर हम सारा का सारा इनपुट बाइनरी लैंग्वेज में देने लगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या किया जाता है कि सिंपल हमारी जो लैंग्वेज है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल जो लैंग्वेज है, उसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, यानी ऐसी लैंग्वेज जिसको मशीन समझ सके, कंप्यूटर समझ सके। तो हमारी लैंग्वेज को मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, इसको हम कहते हैं एनकोडिंग। इसको सिंपल से एग्जांपल से हम समझते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई भी अधिकारी अगर किसी दूसरे देश के अधिकारी से या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आपस में मिलते हैं और दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं समझ आती, तो वो क्या करेंगे? तो उनके साथ में एक पर्सन होगा जिसको इंटरप्रेटर कहा जाता है, और वो इंटरप्रेटर क्या करता है, एक पर्सन की भाषा को दूसरे में कन्वर्ट करेगा और दूसरे उसकी भाषा को इसमें कन्वर्ट करेगा। तो एक दूसरे को वो समझाएगा अपनी अपनी लैंग्वेजेस में, भाषाओं में। तो यही काम यहाँ पर भी किया जाता है कि हमारी जो लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दिया जाता है, ताकि कंप्यूटर उन इनपुट्स को समझ सके जो हम देना चाहते हैं। तो एनकोडिंग इज द मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू एन इक्वलेंट साइफर यूजिंग स्पेसिफिक कोड, राइट? तो हमने बात अभी यही की कि कंप्यूटर बाइनरी को समझता है, इसलिए हम जो भी कीबोर्ड से कीज प्रेस करते हैं वो इंटरनली बाइनरी में कन्वर्ट की जाती हैं। इसका एक एग्जांपल समझेंगे। अगर आप ए प्रेस करते हैं, कैपिटल ए, आपके कीबोर्ड से आपने कैपिटल ए प्रेस किया,
तो वो जो कैपिटल ए है वो कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट होगा उसको हम समझें। तो कैपिटल ए के लिए एक न्यूमेरिक वैल्यू दी जाती है 65, उसका एक कोड दिया गया है 65, एक नंबर है। इस नंबर को कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी में, तभी कंप्यूटर इसको समझ पाएगा। तो इसको इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, जैसे एक लेटर है ए, कैपिटल ए, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल कोड है 65, और 65 को जब कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो ये इस तरह का एक कोड बनेगा 01000001। तो इस तरीके से कंप्यूटर में एनकोडिंग की जाती है, हमारा जो भी डेटा होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरीके से अगर आप हिंदी का कोई अक्षर दबाते हैं, जैसे आपने हिंदी का अ लिखा, तो जो हिंदी का अ है वो इंटरनली हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होगा, और हेक्साडेसिमल में उसकी वैल्यू आएगी 0905। और ये 0905 जो है, क्योंकि कंप्यूटर को हमें समझाना है तो कंप्यूटर समझेगा बाइनरी में, इसलिए इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। और आप सबसे नीचे देखोगे एक बहुत छोटा सा कोड है यहाँ पे 00001001 00001 01 01, है ना, छोटा सा कोड। तो इस कोड में कन्वर्ट किया गया अक्षर अ को। तो हमने तो बड़ी आसानी से अ प्रेस कर दिया, लेकिन उस अ को इंटरनली बाइनरी में इतने बड़े कोड में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर आपको कह दिया जाए कि आपको सारे इनपुट सीधे बाइनरी में ही देने हैं, तो क्या हम ऐसा इनपुट दे सकते हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए एनकोडिंग की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब जब बात आती है एनकोडिंग की, तो ऐसा कोई सिस्टम भी होना चाहिए, ऐसी कोई एनकोडिंग स्कीम भी होनी चाहिए जिसको इस्तेमाल करके एनकोडिंग की जाए। क्योंकि शुरुआत में जब कंप्यूटर बने तो यही प्रॉब्लम आई कि कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, एक दूसरे से वो जो है कम्युनिकेशन उनका नहीं हो पाता था, यानी कि पोर्टेबिलिटी वहाँ पे ख़त्म हो गई थी, पोर्टेबिलिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि एक कंप्यूटर जो अपना डेटा रिप्रेजेंट करता है वो दूसरे तरीके से करता है, और दूसरा कोई कंप्यूटर होगा वो अलग तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, तो आपस में इन दोनों कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन होना पॉसिबल नहीं होता। तो इस वजह से क्या हुआ कि एक कोडिंग स्कीम डेवलप की गई जो स्टैंडर्ड सबके लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कंप्यूटर के लिए ये एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, जिसको हम कहते हैं ASCII, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो ASCII है, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये एक एनकोडिंग स्कीम है जो सारे कंप्यूटर्स में कॉमनली एक जैसी काम में आती है। तो जब यूनिफॉर्मिटी हो गई एनकोडिंग की, के सभी कंप्यूटर्स एक ही तरीके से एनकोडिंग कर रहे हैं, जब सारे कंप्यूटर एक ही तरीके से एनकोडिंग करेंगे तो आपस में कम्युनिकेट करना बहुत ईजी हो गया। तो यानी एक कंप्यूटर की फाइल दूसरे कंप्यूटर में ईजिली चल सकती है, एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर को इजीली दिया जा सकता है, तो ये इसका बेनिफिट हो गया। यहाँ पे एक आपको टेबल दिख रही है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स जो हैं अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के, और कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं जिनकी डेसिमल वैल्यूज यहाँ पर दी गई हैं, जिसको ASCII में इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। जैसे कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए की ASCII वैल्यू है 65, इसी तरीके से कैपिटल बी की ASCII वैल्यू 66, ऐसे ही स्मॉल ए 97, स्मॉल बी 98, स्मॉल सी 99, लाइक दैट। स्पेस अगर आप प्रेस करते हो तो 32 से रिप्रेजेंट होता है, ऐसे ही
अलग अलग जो सिंबल्स हैं ये अलग अलग डेसिमल वैल्यूज से रिप्रेजेंट होते हैं, और फिर इन्हीं डेसिमल वैल्यूज को क्या कर दिया जाता है, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये है ASCII जो एक कॉमन एनकोडिंग स्कीम है सारे कंप्यूटर्स के लिए। आगे चलिए, आगे देखते हैं। अब जब बात आती है इंडियन लैंग्वेजेस की, क्योंकि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड जो है ASCII जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट्स के लिए बना है। अब कंप्यूटर इंडिया में यूज होता है तो ज़रूरत पड़ी कि इसको इंडियन लैंग्वेजेस में भी यूज होना चाहिए, क्योंकि अगर इंडियन लैंग्वेजेस में यूज होगा तो इसका जो इस्तेमाल है, इसका जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा, बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि ये लोकल लैंग्वेज में भी काम करेगा। तो इसीलिए एक एनकोडिंग स्कीम डेवलप की गई जिसका नाम है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ISCII। तो ये जो इंडियन स्क्रिप्ट है इसमें इंडियन लैंग्वेजेस सारी जो इंडिया की जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उनकी एनकोडिंग इसमें की गई। तो ये जो स्कीम है ये 8 बिट्स का कोड यूज करती है, तो 8 बिट का कोड यूज करने के कारण 2^8 यानी कि 256 कैरेक्टर्स को ये रिप्रेजेंट कर सकती है। और क्योंकि ये एनकोडिंग स्कीम ASCII का ही एक एडवांस वर्जन कह लो आप इसको, या एक्सटेंशन कह लो, ASCII का ही एक्सटेंशन है, इसलिए ASCII के जो 128 कैरेक्टर्स हैं वो इसमें एज इट इज यूज किए जाते हैं। ASCII जो है वो 7 बिट का कोड है, इसलिए उसमें 2^7 128 बिट्स यूज की जाती है। लेकिन इसकी जो है इंडियन स्क्रिप्ट कोड जो है इसमें 8 बिट का कोड यूज किया जाता है, इसलिए 256 कैरेक्टर्स को ये रिप्रेजेंट कर सकता है। तो पहले जो 128 कैरेक्टर्स हैं, फर्स्ट 128, वो तो हैं ASCII के ही एज इट इज यूज किए गए, और बाकी के जो बचे वो इंडियन लैंग्वेजेस के लिए यूज किए जाते हैं। तो इससे हुआ ये कि ASCII कैरेक्टर्स की को भी कोई जो है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, तो जो कंप्यूटर्स ASCII को यूज कर रहे हैं उन कंप्यूटर्स के साथ में भी ये कंपेटिबल है, एज वेल एज जो इंडियन लैंग्वेजेस के लिए कंप्यूटर यूज हो सकते हैं या होते हैं उनके लिए भी ये कंपेटिबल है। तो सारे कंप्यूटर्स के बीच में ऑल ओवर द वर्ल्ड पोर्टेबिलिटी बनी रहती है। मूविंग अहेड इज यूनिकोड। अब यूनिकोड क्या है, तो अब यहां पे एक चीज आई कि जैसे इंडियन लैंग्वेजेस के लिए बन गया इसकी बन गया ISCII, तो ऐसे ही कोई चाइनीज लैंग्वेजेस के लिए कुछ और होगा, जापनीज के लिए कुछ और होगा। तो अगर सारे कंप्यूटर इस तरीके से डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम को यूज करने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर से वही पोर्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होगी। इसलिए क्या हुआ, यूनिकोड का डेवलपमेंट हुआ। यूनिकोड इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ ASCII, यूनिकोड भी ASCII से ही बना हुआ है, लेकिन इसमें पूरे वर्ल्ड की जो लैंग्वेजेस हैं वो यूज की गई, और पूरे वर्ल्ड में एक यूनिफॉर्म कोडिंग स्कीम डेवलप कर दी गई। तो इससे फायदा ये हुआ यूनिकोड को यूज करने से कि चाहे वो चाइनीज हो, जापनीज हो, या और कोई भी लैंग्वेज हो पूरे वर्ल्ड में, वो सारी की सारी लैंग्वेजेस एक साथ एक ही कोड से रिप्रेजेंट होने लग गई, चाहे वो इंडियन लैंग्वेजेस हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। तो पूरे वर्ल्ड के जो कंप्यूटर्स हैं वो सारे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में जो है सक्षम हो गए, कम्युनिकेशन उनका पॉसिबल हो सका। यूनिकोड के डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम्स हैं, UTF-8, UTF-16, UTF-32, ये सारे
यूनिकोड के ही एक्सटेंशन से यूनिकोड के ही एनकोडिंग यूज करते हैं। तो इसमें भी यही चीज़ है, पहली जो 128 वैल्यूज़ हैं वो आस्की की ही हैं एज इट इज़, और बाकी जो हैं अदर लैंग्वेजेस के लिए यूज़ की जाती हैं। तो यूनिकोड जो है, चाहे कोई भी तरह का डिवाइस हो, सर्वर हो, डेस्कटॉप हो, मोबाइल हो, सब पे चलता है, किसी भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लिनक्स, विंडोज, iOS, सब पे चलता है, किसी भी तरह की एप्लीकेशन हो उस पर भी ये चलेगा। तो इसलिए यूनिकोड जो है एक यूनिफॉर्म कोडिंग स्कीम हो गई जो सबके लिए, सब तरह के कंप्यूटर्स पे, हर तरह की मशीन पर यह काम कर सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू गॉट इट वेल, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको रिवाइज कीजिएगा वापस अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, इसको बार बार वीडियो को आप देखिए, समझिए, और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं उसके बारे में। इसके आगे का जो इसी चैप्टर का पार्ट है नंबर सिस्टम्स, तो नंबर सिस्टम्स के लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो अलग से बनाएंगे। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, ऑल द बेस्ट।